अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 61 है। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है यूनिट नंबर 1 एमसीक्यूज का, और उसमें जो हमारा एमसीक्यूज है कि इफ एफ इज एनी फंक्शन देन एफ ऑफ एक्स प्लस एंड एफ ऑफ इनटू माइनस एक्स ओवर 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। जब ये हमारे पास ऐसा जब भी फंक्शन आएगा प्लस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ इनटू माइनस एक्स ओवर 2, ये हमेशा क्या होता है? इवन। अगर दरमियान में यहाँ पे माइनस होगा तब हमारे पास क्या होता है? ये ऑड, इसलिए ये हमारे पास इवन फंक्शन है। 62 में है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये बताना है हमने फंक्शन कौन सा होगा। तो इसमें से हमारे पास जब साइन में एंगल होगा नेगेटिव का, तो माइनस कहाँ पे आ जाएगा? स्टार्ट में, और कॉस का जो नेगेटिव है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो वैल्यू इस तरह से चेंज हो जाएगी। तो ये डज नॉट इक्वल्स टू प्लस और माइनस एफ ऑफ एक्स है, इसके ना इधर इवन और नॉट ऑड। 63 में है कि एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है कॉस एक्स, तो कॉस में अगर नेगेटिव एंगल लें तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो दोबारा से वही वैल्यू आ जाएगी, इसलिए क्या कहते हैं इसको? इवन फंक्शन है। 64 में है कि एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, तो हमने इवन ऑड चेक करने के लिए एक्स क्यूब में माइनस एक्स पुट करेंगे और साइन एक्स के एंगल में भी माइनस। इस तरह से माइनस आ जाएगा स्टार्ट में, और जो नेगेटिव एंगल है वो आ जाएगा स्टार्ट में। माइनस कॉमन आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब और प्लस के साइन एक्स, तो इस तरह से आ तो जाएगी वैल्यू हमारे पास, लेकिन साथ क्या आएगा? माइनस आएगा। इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है? एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स, सही फंक्शन है। इवन ऑड पुट करने के लिए हमने जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस के एक्स पुट करेंगे, सिमिलरली माइनस के एक्स, तो कॉस एक्स है यहाँ पे भी हम क्या पुट करेंगे? माइनस एक्स, तो एक्स ऑड है तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? माइनस में, और कॉस का जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस। इस तरह से अगर माइनस कॉमन लें तो वैल्यू ही हमारे पास चेंज हो जाएगी, तो ये डज नॉट इक्वल्स टू हमारे पास एफ ऑफ एक्स आएगा, तो इसका मतलब ना इधर इवन और नॉर ऑड। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन है और एफ नॉट एफ फाइंड करना है, तो एफ नॉट एफ का मीनिंग है कि हमने क्या लेंगे? एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन, दोबारा इसी में वैल्यू पुट करनी है और जो वैल्यूज आएगी इसका क्या आ जाएगा? होल का स्क्वायर, और बाहर क्या आ रहा है? प्लस वन एक्स फोर प्लस वन टू एक्स स्क्वायर और प्लस वन, इस तरह से एक्स फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर और प्लस टू, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी आ रहा है। 67 में एफ ऑफ एक्स माइनस टू एक्स प्लस एट है, तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो वाई लेते हैं, माइनस टू एक्स प्लस एट, तो वाई की वैल्यू हमारे पास होती है एफ ऑफ एक्स। तो हमने पहले एक्स फाइंड करना है, एट माइनस का हो जाएगा। अब माइनस कॉमन लिया तो क्या आ गया? एट माइनस वाई, और माइनस टू डिवाइड होगा, कैंसल होगा, इस तरह से एट माइनस वाई ओवर एक्स की वैल्यू। तो एक्स हमारे पास किसके को हम लेते हैं? एफ इनवर्स वाई के। तो हमने निकालना है एक्स है जहाँ पे वाई था दोनों में, वहाँ पे हमने एक्स रिप्लेस कर देना है एफ इनवर्स एक्स, तो इसका मतलब एट माइनस एक्स ओवर टू, ऑप्शन सी आ रहा है। 68 में है लिमिट एफ ऑफ एक्स और जी एक्स, दोनों को सेपरेट कर लेंगे, लिमिट और माइनस है तो माइनस ही रहने देंगे, तो इसमें ऑप्शन ए है। 69 में है एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एंड लिमिट राइट करने के लिए, तो इसमें क्या होगा कि जो लिमिट है वो अंदर राइट करेंगे, होल की पावर एन आ जाएगी, यानी कि जस्ट लिमिट हमने इसमें स्क्वायर रूट जो सिंपल है उसके अंदर होल रेज टू पावर क्या आ जाएगी? एन आ जाएगी। उसी नंबर है और ए ओवर समथिंग, तो जब यहाँ पे वैल्यू इसकी लेंगे एक्स की पावर इन्फिनिटी, जब किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी होगा, जब कोई नंबर इन्फिनिटी पे डिवाइड होगा आंसर क्या आएगा? उसका जीरो आएगा। अब 71 में है एक्स माइनस वन, लिमिट पुट करें, सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन से सिक्सटी में इसमें से है कि लिमिट हमारे पास क्या है? एक्स माइनस वन, एक बार इसको विदाउट माइनस और एक बार क्या राइट कर लेंगे? प्लस, एक्स माइनस वन कैंसिल होगा और बाकी बचेगा वन, तो वन प्लस वन क्या आ जाएगा? टू, आंसर क्या बनेगा इसका? टू बनेगा। सिमिलरली हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन है और एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो इसको हम वैल्यू पुट करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? विदाउट करें, एक बार माइनस और एक बार प्लस, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस वन कट गया,
और लिमिट हमारे पास आ रही है x गोज़ टू 1, तो 1 प्लस 1 ओवर 1 तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, इसका भी 2 आएगा। 77 में है कि हमारे पास वैल्यू आ रही है उसमें 2, सिर्फ लिमिट पुट करनी है, तो 2 का स्केयर है माइनस 5 इंटू 2 है और प्लस 3, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 5 टू द 10 और प्लस 3, 8 3 11 और माइनस 10, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। 74 में क्या होगा हमारे पास x अप्रोचेस टू 3 है और लिमिट पुट कर लेंगे इसमें जस्ट 3 स्केयर प्लस 1 और 3 प्लस 3, तो इसका मतलब बन रहा है 9 प्लस 1 ओवर 6, तो ये बन रहा है 10 बाई 6, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 बाई 3 अप्रोचेस टू ए। अब हमारे पास एक्स क्यू माइनस ए है, एक्स माइनस ए विदाउट स्केयर, फिर अपोजिट ए एक्स और प्लस के ए स्केयर डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, दोनों को कैंसिल, तब इसमें से क्या आ जाएगा ए स्केयर इंटू ए प्लस ए स्केयर, इस तरह से ए स्केयर और ए स्केयर प्लस क्या आ जाएगा 3 ए स्केयर, इस तरह से ऑप्शन में लास्ट आएगा। 76 में हमारे पास रिजल्ट दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एन ए और एन माइनस 1 ऑप्शन बी है। 77 में हमारे पास एन और एम है, तो हमारे पास इसका रिजल्ट है हमारे पास एन ओवर एम और एक्स की पावर एन, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हमारे पास एन माइनस एम और एक्स की पावर एन माइनस एम। 78 में हमारे पास जो है वो वैल्यू पुट करके तो हमारे पास आ रहा है 4 16 माइनस 16 क्या आ रहा है 0, ये भी 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, तो इसको क्या कर लेंगे विदाउट स्केयर एक बार माइनस और एक बार प्लस, एक्स माइनस 4 कैंसिल, तो लिमिट हमारे पास क्या थी 4, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे 4 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास 8 ऑप्शन ए। अब 79 है हमारे पास और यहाँ पे 2 पुट करें तब भी क्या आ रहा है, ये हमारे पास बन रही है वैल्यूज। 0 ओवर देखो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये जो एक्स को मैंने क्या राइट कर लिया है एक्स का स्क्वायर, पूरा इसको मैंने क्या कर लिया है 2 का स्क्वायर, इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स माइनस 2 फिर विदाउट स्क्वायर एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो ये वैल्यू कैंसिल, लिमिट हमारे पास 4 थी 1 ओवर, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे 4 प्लस 2 तीसरा से 2 प्लस 2 तो 1 बाई क्या आएगा 4 ऑप्शन बी आ जाएगा। 80 है यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे 0, तो हमारे पास ये कैंसिल होकर 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, तो हम क्या कर लेंगे इसको पहले तो रैशनलाइज कर लेंगे, रैशनलाइज करेंगे ये माइनस की वैल्यू है तो इसका मीनिंग है कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम इसको डिवाइड भी करेंगे और डिवाइड बाय हमारे पास एच है, तो ये बनेगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एच ओवर एक्स प्लस एच और हमारे पास क्या बनेगा प्लस के एक्स के रूट, एक्स एक्स से कैंसिल, एक्स डब एच भी कैंसिल हो जाएगा, लिमिट हमारे पास एच पॉजिटिव टू 0 है तो एक्स अंडर रूट और एक्स अंडर रूट क्या बनेगा ये 1 ओवर 2 एक्स अंडर रूट तो बनेगा। एक्स पॉजिटिव टू टी 2 है हमारे पास एक्स के रूट और ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स के रूट माइनस 2 स्के रूट, तो क्या राइट करेंगे विदाउट स्केयर एक बार माइनस और एक बार प्लस, इस तरह से क्या आएगा जी 2 प्लस 2 तो इस तरह से 1 बाय 2 स्केयर रूट, इस तरह से ऑप्शन बी। 82 में है ए एक्स माइनस 1 ओवर एक्स ए ग्रेटर देन 0, तो इसमें ऑप्शन हो आंसर बनेगा लॉग ऑफ ए। 83 में ई एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, तो ये रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के, तो 83 का सी ऑप्शन आएगा। 84 में है 1 प्लस 1 ओवर एन, तो ये जो नंबर आ रहा है एन इसका ऊपर रेसिप्रोकल आना चाहिए, एन लिख लिया बट 2 हमने लिख लिया ऊपर, तो ये लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी थी, ये ई की पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर ऑप्शन बी आएगा। अब ये वैल्यू पुट करें इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी रेस टू पावर इन्फिनिटी बन रही है, इसको हल करने के लिए हमने क्या किया रेसिप्रोकल ले लिया 1 प्लस एक्स और रेस टू पावर कितनी आ गई हमारे पास माइनस 1 और लिमिट आ रही है एक्स पोचेस टू इन्फिनिटी, तो रेसिप्रोकल लेंगे एक्स, अब दोनों को सेपरेटली डिवाइड करेंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई एक्स
एक्स बाई एक्स, और यहाँ पे एक्स और हो रेज टू पावर हम क्या लिख लेंगे, माइनस वन, और लिमिट हम राइट करेंगे वो शॉर्ट करें इसलिए वैसे, तो वन बाई एक्स प्लस वन रेज टू पावर एक्स, और लिमिट हमारे पास जो है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो रेज टू पावर क्या माइनस वन, थ्री की पावर क्या आ जाएगी माइनस के वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं वन ओवर ई। एक्स एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो इसको आंसर हम क्या लिख लेंगे वन, 87 में साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स, तो हमारे पास क्या आएगा साइन ए एक्स, ए एक्स आना चाहिए, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, इसी तरह से साइन बी एक्स और डिवाइड होना चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, ये वन डॉट ए और वन डॉट बी, तो ए ओवर बी बनेगा, बिकॉज हमारे पास जो साइन थीटा ओवर थीटा और लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो किसकी इक्वल होता है वन के। इसी तरह से हमारे पास 88 में एक्स टेन एक्स है, तो हमारे पास जो एक्स आएगा टेन को हम क्या लिख सकते, 88 में एक्स ओवर टेन एक्स है, तो एक्स और टेन को हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, तो इसलिए हमारे पास कॉज न्यूमिनेटर में आएगा साइन एक्स ओवर एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, ये वन आ गया, ये भी वन, तो आंसर वन आएगा। वन माइनस कॉज एक्स है, अगर जीरो पुट करें वन तो वन माइनस वन जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने साइन स्केयर को क्या कर लिया वन माइनस कॉज स्केयर, तो एक बार इसको विदाउट स्केयर राइट कर लेंगे, वन माइनस कॉज एक्स और वन प्लस कॉज एक्स दोनों कैंसिल। अब जब इस पर लिमिट पुट करेंगे तो वन कॉज जीरो पे क्या आएगा हमारे पास वन, तो वन ओवर टू आएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में है साइन सेवन एक्स ओवर जीरो, अगर वैल्यू पुट करें तो साइन जीरो पे जीरो 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 फॉर्म बन रही है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख लिया सेवन एक्स, और सेवन से हमने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी, और लिमिट हमने साथ राइट कर लिया एक्स पच्चीस जीरो, ये वन आ गया और सेवन आंसर ऑप्शन बी आया। 91 में है कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब लिमिट जब हम राइट करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कंटिन्यूस दिया है, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं इसकी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस में, तो हमारे पास ग्रेटर देन हमारे पास माइनस वन क्या आ रहा है सी प्लस टू, और जब हम लेसर इक्वल लेंगे तो हमारे पास एक्स प्लस टू है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास माइनस वन प्लस टू, तो क्या आएगा वो वन आएगा, इसलिए सी की वैल्यू वन माइनस टू, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के वन आ जाएंगे ऑप्शन सी। 92 में एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, तो बता रहा है कि हमारे पास कंटिन्यूस किस पॉइंट पे है, ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस किस वैल्यू पे आ रहा है, अगर एक्स की वैल्यू वन पुट करें वन माइनस वन क्या आ रहा है, ये हमारे नॉट कंटिन्यूस आ रहा है हमारे पास वन पे। फिर 93 में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फाइव और एक्स माइनस फाइव दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स एक रूल है अगर वैल्यू पुट करें टू माइनस टू, तो यहाँ पे भी ये 32 माइनस 32 जीरो आ रहा है और ये भी जीरो आ रहा है, हमने एक रूल होता है डी एल हॉपिटर रूल वो अप्लाई कर लेना है। वो क्या होता है कि हमने न्यूमिनेटर का अलहदा से डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव बनेगा इसका 5x4, इस तरह से डिनोमिनेटर का भी हमने अलहदा से डेरिवेटिव ले लेना है और लिमिट वैसे ही राइट कर लेनी है। अब हमने क्या आ रहा है कि जब वैल्यू पुट करनी है इसमें 5 × 2 की पावर 4, तो वो हमारे पास बनेगी 2 × 4 = 8, 8 × 4 = 16, 16 × 5 क्या बनेगी 80, तो इससे शॉर्टकट है। में हमारे पास एक्सप्रेशन लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू बन रही है हमारे पास ये प्लस होगा, तो ये बन रही है हमारे पास साइन अप्रोपोलिक एक्स। तो 96 में है वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स, तो एक्स की बजाय हमने क्या पुट करना है यहाँ पे कॉज एक्स, तो वन प्लस कॉज एक्स, और इधर भी हमने एक्स की बजाय क्या पुट करना है कॉज एक्स, लेकिन ऊपर माइनस था, तो ये हाफ एंगल का फार्मूला है, वन माइनस कॉज एक्स क्या होता है टू साइन स्केयर हाफ एंगल एक्स बाई टू, और ऐसे ही टू कॉज स्केयर और एक्स बाई टू, टू टू से कैंसिल, तो साइन ओवर कॉस क्या बनेगा टेन स्केयर आ जाएगा, स्केयर है तो ये बन रहा है टेन स्केयर एक्स ओवर टू, ऑप्शन बी बनेगा। 97 में है एक्स डिग्री और
एक्स, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, पावर 180। 98 पे हमारे पास एक्स प्लस इन्फिनिटी, एक्स प्लस ई और ओवर एक्स माइनस ई, लिमिट एक्स पहुंचेस टू इन्फिनिटी है। जब से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी में कोई नंबर ऐड होगा या माइनस होगा, आंसर उसमें इन्फिनिटी बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, सी बनेगा हमारे पास। 99 में है साइन एक्स कॉस एक्स किसकी इक्वल होगा, तो हमारे पास जब साइन में नेगेटिव एंगल हम लेते हैं तो साइन लिख लेंगे माइनस एक्स और कॉस भी माइनस एक्स। साइन का जो नेगेटिव है वो स्टार्ट पे आ जाएगा और कॉस पे प्लस आ जाएगा, तो आ तो गया दोबारा से लेकिन साथ क्या आ गया, माइनस। इसको हम कहते हैं ऑड फंक्शन। 100 में है कि हमने रेंज फाइंड करनी है एक्स माइनस फाइव की, तो रेंज क्या होगी इससे, जीरो से लेके पॉजिटिव के इन्फिनिटी। 101 में रेंज होगी जो फंक्शन की वो क्या आ गया हमारे पास, माइनस वन एंड वन। 102 में है के इज एनी रियल नंबर देन, तो के हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट से बाहर आ जाएगा, और जो बाकी वैल्यूज हैं उसके साथ हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी एस से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और एफ ऑफ एक्स। 103 में हमारे पास है 1 माइनस 1 बाई एन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1 बाई एन, और एन लिख के हम साथ इसके और होल की पावर हम क्या लिख लेंगे, माइनस के वन, और लिमिट हम राइट करेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये सारा जो आएगा हमारे पास ई आ जाएगा, बट पावर इसकी क्या आ रही है, 1 बाय ई, तो की पावर इनवर्स, तो ये ऑप्शन सी आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।